हेलो दोस्तों, तो यार जितने भी लोग ब्लम एयर ड्रॉप पे काम कर रहे थे ना, तो फाइनली वो न्यूज आ चुकी है जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे काफी टाइम से। बिकॉज आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे सिंगापुर के अंदर ब्लम एयर ड्रॉप का ऑफिशियल इवेंट चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसी को लेके कुछ बहुत ही बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि ब्लम एयर ड्रॉप की लिस्टिंग कब होगी, इसकी डेट क्या होगी, और इसके टोकन की प्राइस $1 तक बताई जा रही है। मैं बताता हूँ आगे के, और साथ ही साथ ब्लम एयरड्रॉप का क्राइटेरिया भी सामने आ चुका है। जो बंदा इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा या फिर उसका ये वाला टास्क पूरा नहीं होगा तो उसको ब्लम एयरड्रॉप से भाई साहब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब वो अपना एयरड्रॉप यहां से क्लेम नहीं कर पाएगा। वो क्या है वो तो मैं आगे चल के आपको बताता हूं, बट यार आज है 19 सितंबर और यही वो डेट है जिसका इंतजार काफी टाइम से मैं भी आप लोगों को बता रहा था। सबसे पहले अगर हम लोग ब्लम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आए तो यहाँ पे हम लोगों को पोस्ट देखने को मिलती है जहां पे लिखा है द ब्लम स्क्वाड हैज ऑफिशियली लैंडेड इन सिंगापुर फॉर टोकन। मतलब ये कि यहाँ पे इन्होंने थोड़े टाइम पहले, जब मैं देख रहा था कल रात को, इन्होंने ये पोस्ट की थी कि ब्लम का जो ऑफिशियल मतलब लोग है ना, वो भाई साहब सिंगापुर के अंदर लैंड हो चुके हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। और वैसे भी सिंगापुर के अंदर जितने भी क्रिप्टो चीजें मतलब क्रिप्टो से रिलेटेड है ना, सारे इवेंट काफी ज्यादा यार बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे आती है सिंगापुर के अंदर। तो अब यहां से निकलने क्या वाला है इसको लेके काफी न्यूज़ सामने आ चुकी हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यार मैं अपने गैस फी के विनर नहीं निकाल पाया, क्योंकि आपको पता है कि डेली मैं यहाँ पे गिव अवे करता हूँ और दो बंदों को टोन क्वीन मतलब बिल्कुल फ्री में सेंड करता हूँ। गैस फी जिन लोगों के पास नहीं होती या फिर ट्रांजैक्शन के लिए जो टास्क पूरे करना चाहते हैं उनमें से किसी का भी नाम आ सकता है, तो लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिला विनर निकालने का, तो इसके लिए सॉरी करता हूँ। और इस गिव अवे में हिस्सा लेना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे कोई अच्छा सा कॉमेंट कर दो और साथ ही साथ अपना टोन वॉलेट का एड्रेस भी लिख दो, ताकि अगर आपका नाम आए तो आपको हम लोग गैस फी सेंड कर दें कल के कल। और हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी को जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको अपडेट करके बता दिया जाएगा और सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम कम्युनिटी पे बताता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे बात भूल जाएगी, आपको दो टास्क बता देता हूँ जो आपको जरूर से जरूर कर लेने हैं। अगर आप लोगों ने ये मिस कर दिए तो हो सकता है कि आप लोग इलिजिबल ना हो ब्लम एयर ड्रॉप को जो है ना क्लेम करने के लिए, ये खुद इन्होंने ऑफिशियली बताया है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई इस इवेंट के बाद अब होने क्या वाला है, इसकी लिस्टिंग डेट के बारे में क्या बताया गया है वो आपको बताता हूं, और इसके टोकन की जो प्राइस $1 बताई जा रही है उसको लेके क्या न्यूज सामने आती है। और देखो मेरे चैनल पे ज्यादातर जो लोग हैं ना भाई, वो ब्लम एयर ड्रॉप को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ब्लम को कोई एयर ड्रॉप टक्कर दे पाएगा। अब आपको पता है कि एक दिन पहले बाइनेंस, जो इस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज मानी जाती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उन्होंने भाई मून बिक्स के नाम से अपनी एक मिनी गेम लॉन्च कर दी है, मतलब एयर ड्रॉप अपना लॉन्च कर दिया है। और इस एयर ड्रॉप को लॉन्च करने के बाद लगता यही है कि ये जो बाइनेंस का ऑफिशियल एयर ड्रॉप है ना भाई साहब, ये ब्लम को बीट कर देगा, ब्लम इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाइनेंस की बात अलग है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी एयर ड्रॉप आपको बताते हैं तो जब हमें पता चलता है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट हम आपको बता रहे हैं इसके पीछे बाइनेंस का हाथ है या फिर बाइनेंस ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, तो एक तरह से हमें अच्छा लगता है कि भाई इस प्रोजेक्ट को बाइनेंस सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट होगा। लेकिन दूसरी तरफ तो गेम ही चेंज हो चुकी है भाई साहब, यहाँ पे तो बाइनेंस ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमत भी काफी हाई रहने वाली है, मतलब इसकी वैल्यू। मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि अगर ये बाइनेंस वाला एयर ड्रॉप आप लोगों ने मिस कर दिया ना दोस्तों, आप लोग सच में अपना बहुत बड़ा नुकसान करवाओगे। इसके ऊपर कल मैंने सुबह के टाइम पे वीडियो अपलोड की थी, ब्लम के साथ इसका कंपैरिजन भी किया था, तो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मून बिक्स के नाम से है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना दोस्तों, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस चैनल पे मैं आपके लिए वो चीजें लाता हूँ जो हमेशा आपको फायदा देती है। इस टाइम पे सबसे पहला टास्क ये है कि भाई ब्लम को ओपन करो, उसके अंदर आपको अर्न वाला जो सेक्शन मिलता है ना उसको ओपन करो। नीचे तो आपको बहुत सारे टास्क मिलते हैं जो डेली की इनकी वीडियोस होती हैं, तो हम लोग देख के फिर कोड लगा के क्लेम कर सकते हैं।
बट यहाँ पे ऊपर एक टास्क आ रहा होगा, काफी लोगों ने इसको कंप्लीट कर भी लिया होगा, लेकिन इसको करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के बाद 300 आपको ब्लम के जो है ना टोकन्स बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। तो ऊपर लिखा है ज्वाइन लवली लेजेंड, तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो लवली लेजेंड्स के नाम से एक बोट ओपन हो जाएगा, मतलब ये भी एक तरह से माइनिंग बोट है। इसको ज्वाइन करने का टास्क है, उन्होंने खुद बताया कि ये क्राइटेरिया आपको जरूर पूरा करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन होगा, उसके ऊपर सिंपल सा काम है, आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये इसका ओपन हो जाएगा बोट वाला सिस्टम। तो बस आपने बैक कर देना है, तो आपका यहाँ पे टास्क पूरा हो जाएगा एंड यहाँ पे क्लेम का बटन भी आ जाएगा, तो आप लोग क्लेम कर लेना। पहला टास्क आपका ये पूरा हो गया। दूसरा टास्क एक्स एम्पायर जो है ना भाई साहब एयर ड्रॉप, उसके यहाँ पे आप लोगों को क्विस्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे ओपन के बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आप लोगों को जो है ना तीन टास्क यहाँ पे दिखाए जाएंगे। पहले टास्क के अंदर क्या है कि इनके मतलब तीन टास्क हैं बस, इनके क्या करना है कि ज्वाइन करना है एक्स एम्पायर के टेलीग्राम चैनल को, दूसरे नंबर पे फॉलो करना है ट्विटर एक्स के ऊपर जो है ना एक्स एम्पायर के भाई साहब एक्स अकाउंट को, और तीसरे नंबर पे कनेक्ट वॉलेट करना है इन एक्स एम्पायर के अंदर, ठीक है। ये जो एयर ड्रॉप है तो वो तो हर बंदा जो भी एक्स एम्पायर के ऊपर काम कर रहा है तो भाई उसने वॉलेट तो कनेक्ट कर रखा होगा, ये टास्क तो ऐसे ही पूरा हो जाता है। बाकी इनके टेलीग्राम और ट्विटर पे जाके दोनों को फॉलो कर लेना, तो ये क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाएगा। अभी के लिए जो क्राइटेरिया बताया गया है वो जस्ट यही था, ये दोनों टास्क आप कंप्लीट करो। इससे आगे एक और टास्क है जिसके अंदर आपको टोन क्वीन की ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके पास टोन क्वीन है और वो कर सकता है तो कर ले, इसके बदले आपको अच्छे क्वीन मिल जाएंगे फ्री में। फ्री में तो नहीं, मतलब टोन क्वीन देना पड़ेगा, टास्क पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के पास टोन क्वीन सेंड वो नहीं कर सकता तो ना करे, उस टास्क को पूरा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर, मतलब वो करो ना करो वो टोटली डिपेंड नहीं करता। तो अब बात करते हैं कि इसके बारे में इवेंट में चल क्या रहा है। देखिए दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा इवेंट तो है नहीं, ब्लम इस टाइम पे एक एयर ड्रॉप नहीं है जस्ट, पूरे का पूरा एक सिस्टम है, पूरे का पूरा एक प्रोजेक्ट है। जैसे बाइनेंस को देखते हो ना आपके, उनकी एक बड़ी एक्सचेंज है, बस उतनी बड़ी एक्सचेंज तो नहीं है ब्लम की, लेकिन एक प्लेटफॉर्म, काफी तगड़ा प्लेटफॉर्म है। और ये इवेंट कोई छोटा मोटा नहीं है, और वो भी सिंगापुर के अंदर भाई साहब। अब इसको लेके काफी ज्यादा लोग कर रहे थे ये बातें कि सिंगापुर के अंदर जैसे ही इवेंट होगा ना, उसी इवेंट के अंदर इसकी लिस्टिंग डेट को अनाउंस कर दिया जाएगा कि ब्लम जो है ना 20 सितंबर को भाई साहब लिस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बंदा आपको ये बता रहे हैं ना कि 20 सितंबर को लिस्ट हो जाएगा ब्लम एयर ड्रॉप, भाई उसको एक तरह से बता दो कि भाई तुम गलत बता रहे हो। क्योंकि अब देखिए, दो चीजें एक टाइम पे नहीं आती। 26 सितंबर को क्या है कि हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग हो रही है और हमें विड्रॉ वहां से मिलेगा। अब ऐसे टाइम पे ब्लम अगर अनाउंस कर देता है तो भाई हाइप जो है ना वो हैमस्टर कॉम्बैट की ज्यादा बनी हुई है, तो ऐसे होगा कि भाई एक ना एक प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा क्योंकि लोग दोनों को एक साथ फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि दुनिया में जितनी भी क्रिकेट होती है बड़ी, दो टूर्नामेंट एक साथ नहीं चलते, या तो T20 वर्ल्ड कप पहले होता है या फिर वनडे पहले होता है। मतलब दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या, भाई आज T20 है शाम को फिर हम लोग वनडे खेलेंगे, तो ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। इसीलिए हाइप खत्म हो जाती है। ब्लम कोई बच्चे नहीं है भाई, जो उनके मैनेजर वगैरह बैठे हैं उनको भी सब पता है कि इस टाइम पे पब्लिक के अंदर क्या चल रहा है, वो है हैमस्टर कॉम्बैट, ठीक है। तो इसीलिए यहां तक ये तो बात होगी क्लियर के 20 सितंबर को कोई लिस्टिंग नहीं हो रही, और मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो हैमस्टर कॉम्बैट है ना, ये जब लिस्ट हो जाएगा तो इसके बाद सितंबर की एंड में काफी हाई चांसेस लग रहे हैं कि ब्लम के बारे में बता दिया जाएगा कि भाई इसकी लिस्टिंग डेट क्या है। हैमस्टर कॉम्बैट का जब तक कुछ नहीं होता ना, तो आप इससे एक्सपेक्ट मत करो कि ये हैमस्टर कॉम्बैट से पहले लिस्ट हो जाएगा। इसके बाद हो सकता है लेकिन पहले नहीं होगा। लेकिन इवेंट में क्या होगा वो भी आपको बताता हूं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, कि काफी ज्यादा लोग भाई बोल रहे हैं कि जो ब्लम एयर ड्रॉप है ना, इसकी प्राइस होगी $1। और काफी हद तक मैं भी एग्री करूंगा कि इसकी प्राइस $1 हो सकती है। बट कैसे हो सकती है, ऐसे नहीं कि भाई क्वीन की जो है ना $1 होगी। अगर तो ये ब्लम का एयर ड्रॉप इसका टोकन जब लॉन्च होगा, ये तो आता है भाई अगर ऑल्ट क्वीन वाली कैटेगरी में, तो इसकी प्राइस $1 हो जाएगी। अगर ये मीम कैटेगरी में आता है, मीम क्वीन की कैटेगरी में,
तो फिर इसकी प्राइस जो है ना $1 से नीचे आएगी, और कितना नीचे आएगी इसके बारे में अभी बोल नहीं सकते क्योंकि प्री मार्केट के ऊपर जो प्राइस चल रही है ना वो एक ब्लम का टोकन अगर देखा जाए तो इंडियन रुपीज में उसकी प्राइस बनती है ऑलमोस्ट 2 रुपए, ठीक है, और पाकिस्तानी रुपीज में बनती है करीब करीब कोई 6 रुपए ऐसे कुछ बनती है। तो ये प्री मार्केट जो प्राइस आपको बताई जा रही है ना ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, अभी तक इसकी टोटल सप्लाई नहीं आई जिसकी बेस पे हम लोग निकाल पाएंगे कि हाँ यार इतनी हो सकती है, बट वो मैं बात नहीं बताऊंगा आपको जो आपका टाइम वेस्ट करवाए। इसीलिए अभी के टाइम पे ना ही तो लिस्टिंग का पूरा कंफर्म हुआ है और ना ही इसके टोकन की प्राइस। हाँ हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये ऑल्ट क्वीन की कैटेगरी में ब्लम आता है तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी ना, फिर $1 का एक ब्लम क्वीन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वो सारी चीजें जानने के लिए हमें थोड़ा सा जो है ना इंतजार करना पड़ेगा। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे इवेंट तो चल रहा है भाई, अब वहां से क्या न्यूज निकल के आती है, इसलिए मैंने काफी मतलब डिले कर दिया वीडियो बनाने में। बैठा रहा रिसर्च करता रहा कि कोई ऐसी न्यूज आए तो मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी तक कोई न्यूज नहीं आई। हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड करूं कोई न्यूज आ जाए तो फिर मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि इवेंट में बेसिकली क्या बातें हुई हैं और हुआ क्या है वहां पे, क्या लिस्टिंग डेट अनाउंस करके हमें सरप्राइज किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। बट अभी के लिए आने वाले टाइम में अगर आप लोग घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हो ना और अपनी फैमिली को करना चाहते हो सपोर्ट तो मेरे इस मिरानी गेमर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा ना भाई आप सोच भी नहीं सकते, वो भी बिल्कुल फ्री में। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इवेंट के अंदर क्या होने वाला है कॉमेंट में बताना, कोई भी बात पूछनी हो वो भी मुझे कॉमेंट में बता देना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं जल्द ही।